डॉक्टर नेहरू मल्टी स्पेशलिटी डॉग कैट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉग और कैट का निःशुल्क चेकअप के साथ साथ निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गईं। डॉक्टर नेहरू मल्टी स्पेशलिस्ट डॉग कैट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर डॉग और कैट के लिए निशुल्क चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में डॉक्टर संजीव नेहरू ने एक एक कर डॉग्स और कैट्स का चेकअप किया। इस दौरान गंभीर हालात में लाए गए डॉग्स को अपने हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। हमारे कुत्ते को, डॉगी को, क्या हो गया? इसके पैर में तबली है। तो डॉक्टर नेहरू क्लिनिक आप लोग आते हैं, किस तरह के रेस्पॉन्स मिलता है? सही मिलता है, वैसे पहली बार ही आए हैं इसको लेके। वैसे यहाँ आने वाले पेट्स के मालिकों ने इस निशुल्क कैंप में अपने डॉग और कैट्स का न सिर्फ इलाज कराया, बल्कि इस दौरान कैंप में आने वाले डॉग्स को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाए गए, साथ ही बीमार पेट्स के लिए निशुल्क दवाइयाँ भी दी गई। रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है, बहुत पुराने डॉक्टर है हमारे। किसको दिखाने आए थे? जो पक्को दिखाने आया था अपने। तो किस तरह का आराम है? हाँ, अब आराम है कल से। क्या हुआ था पक्को? पक्को खाना वगैरह नहीं खा रही थी और थोड़ा लेग में उसके पे परेशानी थी। कैंप लगा है आज, कैंप में क्या 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 सुविधाएं दी जा रही है? कैंप में सभी सुविधाएं हैं, फ्री चेकअप है सबरा बिना शुल्क के, और भी सब कुछ है। कैंप के दौरान पशु चिकित्सक डॉक्टर राजीव नेहरू ने बताया कि कैंप का उद्देश्य लोगों को पेट्स में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही पेट्स के मालिक अपने डॉग्स और कैट्स की किस तरह से सही देखरेख कर सकते हैं इसकी जानकारी भी देना है। आज हमने यहाँ पे एक निशुल्क फ्री चेकअप और फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कराया है और लोगों में पेट्स के प्रति हमने जागरूकता पैदा करने की कोशिश करी है कि लोग अपने पेट्स के प्रति जागरूक हों और लोगों को पता लगे कि हमें कब कब अपने पेट्स के वैक्सीनेशन करने चाहिए, कब टीके लगवाने चाहिए, कब उनकी डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए, पेट के कीड़े की दवाई करनी चाहिए, किस तरह से डॉग्स को विंटर्स में रखना है, कितनी बार नहलाना है, कितनी बार खाना देना है उसको। कई बार लोग होते हैं गर्मी की तरह से शाम को नहला भी देते हैं, तो अपने पेट्स को अभी इवनिंग टाइम में ना नहलाएं, हल्के से ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएं, और नहीं हो तो डेली उसको ड्राई ग्रूमिंग बात कर सकते हैं, टॉवल को गीला करके उसमें ड्राई फोम शैम्पू डाल के उसको लेके अच्छी तरह से रगड़ के साफ किया जा सकता है। डॉक्टर संजीव नेहरू ने बताया कि ज्यादातर डॉग्स और कैट्स में बीमारियां खान पान का ख्याल ना रखने से होती हैं। साथ ही आजकल जो दूध के नाम पर बाजार में मिलने वाला सिंथेटिक दूध भी डॉग और कैट्स के लिए हानिकारक है, जिसका ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। सी न्यूज के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।